जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में फंक्शन डिफाइन करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, इस तरीके की चीजों को देखा था, साथ में मैथ ऑब्जेक्ट की हेल्प से उससे रिलेटेड फंक्शन की बात की थी। प्री डिफाइंड फंक्शन बहुत सारे हैं। आज की क्लास में हम एरे से रिलेटेड फंक्शंस की जो बात कर रहे हैं, एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे। बट सबसे पहले एरे क्रिएट हम कैसे कर रहे हैं उसे थोड़ा ध्यान दिलाते हैं। सिंपल मैनर में हमने इस तरीके से एरे क्रिएट करना चाहा, जहां वेरिएबल एक क्रिएट करते हैं किसी भी नेम का, उसे इनिशियलाइज कर देते हैं एक वैल्यू जो स्क्वायर ब्रैकेट में प्रोवाइड की गई है, जो एक्चुअली में सेट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड की गई है। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया ये 23 7 11 9 5, इस तरीके का अगर हमने प्रोवाइड कर दिया तो यहाँ हमारे पास एरे अवेलेबल है। और ये जो एरे अवेलेबल है हमने ऑलरेडी पहले भी देखा ही था, कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से टाइप ऑफ के साथ अगर हम ए का टाइप चेक करते हैं तो एरे का टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट। एरे एक तरीके का ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इस पेज को अगर हम सेव कर रहे हैं ब्राउजर पर, अगर इसे हम चेक करते हैं ब्राउजर पर, हमने इसे ओपन किया एंड इस पर्टिकुलर पेज को कंसोल जब ओपन कर रहे हैं तो इसका टाइप क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, पूरे ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो जैसे हमने कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से पूरे ए को प्रिंट करना चाहा, जो भी कंसोल की अप्रोच है, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन की अप्रोच है इस ए को प्रिंट करने के लिए, किसी भी एरे को प्रिंट करने के लिए, उस तरीके से ये प्रिंट करेगा। और वो कैसे? पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है और साथ में उसकी वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। एंड नो डाउट एरे पे जो पॉसिबल फंक्शन है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेलिंग भी ये प्रोवाइड करता है। बट हम जो नॉर्मली कंसिडर कर रहे हैं कंसोल पे, एरे को प्रिंट करवाया तो इस तरीके से ये पूरा एरे प्रिंट कर रहा है। यहीं पे अगर हम चाहते हैं एरे के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को ही काम में लेना कभी, तो उसे काम में लेने का तरीका होगा एरे के नेम के साथ वो स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स बताते हैं। इंडेक्स स्टार्ट कंसीडर होता है 0 से, सबसे पहले एलिमेंट 0, नेक्स्ट 1 इंडेक्स पे, नेक्स्ट 2 इंडेक्स पे, नेक्स्ट 3 एंड नेक्स्ट 4 इंडेक्स पे। मतलब अगर हमने यहाँ पे दिया ए ऑफ 3 तो इस केस में हमारे सामने डेटा क्या प्रिंट होगा? वो होगा 9। इसे रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये डेटा जो आया ये आ गया है 9। अगर हमने यही ए ऑफ 3 की तरह ही अगर हमने प्रोवाइड किया होता सपोज ए ऑफ 1, तो इस बार डेटा 23 नहीं आएगा, 7 आएगा। एंड होपफुली ये तो आप सभी को क्लियर है, 9 एंड 7, 7 आ रहा है ए ऑफ 1 के लिए। साथ के साथ अगर आप यहाँ पे कभी भी एरे के साथ एक ऐसा इंडेक्स प्रोवाइड कर दो जिसके लिए वैल्यू दी ही नहीं गई, जैसे इंडेक्स दे दिया 25 और ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4 तक डेटा थे, ए ऑफ 0 से ए ऑफ 4 तक तो डेटा प्रोवाइड किए गए, ए ऑफ 25 के लिए डिफाइन ही नहीं किया गया, बट एरे तो है, ए नेम का एरे अवेलेबल है, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा इंडेक्स दिया जिसके लिए वैल्यू अगर नहीं मिली तो वो वैल्यू कंसिडर होती है अनडिफाइंड वैल्यू। तो ए ऑफ 25 अगर हम चेक करते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये क्या आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है। इस तरीके से हमारे पास ये एरे अवेलेबल है। ये जो हम एरे का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, एरे अगर हमने इस तरीके से क्रिएट किया हम काम में ले सकते हैं, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन एरे के कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर लिए जाते हैं। अब अगर हम आज की क्लास में यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले कॉन्केट वाले एक प्री डिफाइंड फंक्शन की हम बात करते हैं। बात कुछ ऐसी कि ए नेम का अगर हमारे पास एरे अवेलेबल है जिसके पास डेटा कुछ इस तरीके से हमने कुछ प्रोवाइड कर रखे हैं, और दूसरा हमारे पास एरे अवेलेबल है सपोज बी नेम का जिसके पास भी हमने कुछ डेटा प्रोवाइड कर रखे हैं, सपोज कुछ ऐसे डेटा यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और इस केस में अगर हम इन्हें कॉन्केट करना चाहते हैं, मतलब मर्ज करना चाहते हैं, मर्ज करने का हमारा तरीका कैसा है उसे ध्यान से समझें। हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया कुछ ऐसा, ए हमारा एरे का नाम है तो वो एरे ऑब्जेक्ट की तरह हम काम में ले रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रिंग के लिए हमने बात की है। नो डाउट हम आगे बात करेंगे स्ट्रिंग के लिए न्यू के साथ स्ट्रिंग काम में लेना देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और साथ में न्यू के साथ ही हम यहाँ पे ये जो डिस्कस कर रहे हैं अभी एरे, वो भी हम न्यू के साथ भी क्रिएट करना देखेंगे। बट ये चीजें क्या है, ये स्ट्रिंग फंक्शन, एरे फंक्शन, ये क्या चीजें हैं उनकी बात करेंगे बाद में।
बट हमने जैसे स्ट्रिंग में एक बेसिक लेवल पे देखा था कि जो स्ट्रिंग क्रिएट की है उसी पे डायरेक्ट डॉट काम में लेते हुए हम एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज ये डॉट अप्रोच हमारी किसके लिए रहती है, ये अप्रोच रहती है ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर वाली, चाहे वो ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट था, ऑब्जेक्ट डॉट कोई प्रॉपर्टी था, चाहे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन है, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड कह सकते हैं जिसे, वो अवेलेबल है। तो दोनों ही केसेस क्या है, ऑब्जेक्ट और मेंबर वाले केसेस, जिनके लिए हमने पहले ऑब्जेक्ट तो डिस्कस किया और इनकी कुछ बातें की है, बट प्री डिफाइंड थिंग्स के टाइम पे हमने जब स्ट्रिंग को डिस्कस किया तब भी हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसके साथ डॉट प्रोवाइड कर दिया और फंक्शन काम में ले लिया। सिमिलरली आज की क्लास में हम उसी तरीके से कंसिडर करते हैं कि हमने ये कॉन्केट वाला जो फंक्शन हम काम में लेना चाह रहे हैं, एरे को मर्ज करने वाला, इस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ हमने क्या प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे, ये बी प्रोवाइड कर दिया, मतलब ए के साथ मर्ज करना चाहते हैं हम बी को, और उससे आई हुई वैल्यू अगर हम सी में असाइन करना चाहते हैं तो जैसे हमने वेरिएबल सी दिया उसमें ये पूरी वैल्यू असाइन करवा दी। इस ऑपरेशन के बाद अगर हम यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करवाते हैं सी की वैल्यू, तो देखते हैं सी में क्या डेटा आ रहा है, सेव किया एंड इस पर्टिकुलर पेज को किया रिफ्रेश, तो सी के अंदर ये सारे डेटा अवेलेबल हैं, 4+3 टोटल 7 एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट फर्स्ट एरे ए से मिले थे, कुछ बी से मिले थे। यही साथ के साथ एक चीज और, अगर हम यहाँ पे ए और बी को भी प्रिंट करवा दें, जैसे पहले ए का डेटा फिर बी का डेटा और फिर सी का डेटा, हम तीनों एरे अगर प्रिंट करवा रहे हैं उस केस में ध्यान से देखें ए और बी में कुछ भी चेंजेस परफॉर्म नहीं हुए, मतलब फंक्शन काम में लेते टाइम भले ही एक ऑब्जेक्ट पहले दिया गया है बट मर्ज करके जो प्रोवाइड कर रहा है वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जिसे हम यहाँ पे असाइन करवा रहे हैं। हमने असाइन कर लिया इस वैल्यू को अपने डिक्लेयर किए हुए किसी वेरिएबल में, जैसे यहाँ सी नेम के वेरिएबल में प्रोवाइड कर दिया। साथ ही साथ ये जो हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं कॉन्केट परफॉर्म करने का तरीका, एक बार हम ऐसा कुछ ट्राई करते हैं जहां पे एरे के साथ कॉन्केट करना चाहते हैं बट क्या चीज, उसके लिए देखते हैं। हमने यहाँ पे एरे तो दिया, वेरिएबल प्रोवाइड किया बी नेम का, बट बी नेम के वेरिएबल को केवल एक सिंगल वैल्यू दे दी, जैसे वैल्यू प्रोवाइड कर दी सपोज 50। बी एक नंबर है, ए एक ऑब्जेक्ट है, ए एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, बी एक नंबर अवेलेबल है। हम सेम मैनर में अगर इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं सी और फिर ए बी और सी तीनों को प्रिंट करना चाहते हैं, तो एक बार देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। इस तरीके से अगर हमने दिया तो ध्यान से देखें ये एक सिंगल वैल्यू को भी मर्ज करने में काम में लिया जा सकता है। बी एक वेरिएबल था, बहुत सारी वैल्यूज नहीं, एक सिंगल वेरिएबल था, उसे भी हमने सी में प्रोवाइड कर दिया। ध्यान से देखें सी के अंदर ए वाला एरे साथ में 50 वाली वैल्यू भी आ गया, मतलब ये केवल एरे को एरे से कॉन्केट ही नहीं, एरे के साथ कोई भी वैल्यू अगर आपको कॉन्केट करवानी है तो आप इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। एक नॉर्मल नंबर जो आपने प्रोवाइड कर रखा है, जैसे यहाँ हमने वेरिएबल बी प्रोवाइड कर रखा है, 50 वैल्यू दे रखी है, इस तरीके से दिया, वर्क कर रहा है। एंड यहाँ तक की बात, अगर आप सभी को कुछ आइडिया, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, तो एक बार कॉन्केट को ही थोड़ा और अगर हम समझें, जहां पे हमने वेरिएबल ए जो दिया वो दिया एक एरे के लिए, बी दिया एक वैल्यू एंड साथ में प्रोवाइड कर दिया हमने सी, वो भी दे दिया हमने एक और वैल्यू जैसे 45। और इस बार हम जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज वेरिएबल डी, जिसमें असाइन क्या करना चाहते हैं, ए डॉट कॉन्केट, और कॉन्केट किसे कर रहे हैं, बी वेरिएबल को और सी वेरिएबल को, तो बी कॉमा सी इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पे अगर हम प्रिंट करवाते हैं ए बी सी डी चारों की वैल्यूज, तो ये जो कॉन्केट फंक्शन अवेलेबल है ये ए के साथ मर्ज कर रहा है, लेकिन ए में असाइन नहीं कर रहा, रिटर्न जो कर रहा है ना उसके अंदर मर्ज करके प्रोवाइड कर रहा है जिसे हमने डी में असाइन कर लिया। लेकिन उसके साथ मर्ज कितनी वैल्यूज कर रहे हैं, इस बार हम ट्राई कर रहे हैं जैसे ये दो वैल्यू और देखते हैं रिजल्ट क्या, तो दोनों ही मर्ज हो गए 50 भी 45। एंड यहीं पे अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास ये वेरिएबल बी जो था
इस बी के पास वैल्यू 50 नहीं, सपोज बी के पास वैल्यू अवेलेबल है एक एरे इटसेल्फ, जैसे 34 11 या 11 ऑलरेडी हो चुका है, तो बस थोड़ा आइडिया लगे आपको बेटर, इसलिए वैल्यू चेंज कर दी 5 इस तरीके से कर दे दिया। साथ ही साथ सी जो हम वेरिएबल ले रहे थे उस सी वेरिएबल को भी हमने एक एरे की तरह प्रोवाइड कर दिया, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया से 66 55 एंड से 90, ऐसा कुछ अगर हमने ये प्रोवाइड कर दिया और सेम मैनर में कर रखा है ए के साथ कॉन्कैट बी और सी को, सेव किया रिफ्रेश किया तो इस बार ध्यान से देखें ए एरे था 4 वैल्यूज, इसके पास 3 वैल्यूज थी बी के पास और सी के पास भी 3 वैल्यूज थी, फाइनली 10 वैल्यूज वाला एरे क्रिएट हो गया डी, जिसमें ये तीनों एरे मर्ज हो चुके हैं। इस ऑपरेशन से ए में चेंजेस नहीं होंगे, बट कॉन्केट फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें एक एरे की रिक्वायरमेंट होगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो ये देखा था जहां पे हमने एक वैल्यू मर्ज की थी, उसी चीज को हम एक बार वापस कॉपी करके ला रहे हैं। इस पर्टिकुलर अप्रोच को जब हमने प्रोवाइड किया था, हम यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं, वो चेंज किया हमने यहाँ पे ये जो एरे प्रोवाइडेड है ये एरे की जगह दे दी वैल्यू 50 और बी को दे दिया ये एरे। इस बार ए है एक नंबर, उसके साथ कॉन्केट फंक्शन काम में लेना चाहते हैं और बी एरे अवेलेबल है, सेव किया हमने इसे, इस पेज को कर रहे हैं रिफ्रेश, तो ध्यान से देखें ए डॉट कॉन्केट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ए जो हमारे पास अवेलेबल है वो है एक नंबर, होपफुली आपको डेटा टाइप ध्यान होंगे, नंबर जो अवेलेबल है ए उसके साथ ये कॉन्केट फंक्शन हम काम में नहीं ले सकते, ये एरर आ रही है। होपफुली आप सभी को यहां तक की बात का आइडिया लगा होगा कि कॉन्केट का एग्जांपल जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, राइट एंड अभी जो हमने देखा था वो देखा हमने कॉन्केट फंक्शन जो मर्ज करने का काम कर रहा है एरे के साथ एक सिंगल वैल्यू, चाहे एरे के साथ मल्टीपल वैल्यूज आपको मर्ज करनी है उसका काम कर रहा है। और एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी लाने के लिए, हमने एरे के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे वो अलग से नहीं कहा था अभी, बट अगर हम यहाँ पे ये जैसे अभी हम प्रोवाइड कर रहे थे एरे ए और बी नंबर्स के साथ, अगर हम यहीं पे एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं इसी कॉन्केट फंक्शन के साथ, वो क्या कि अगर हमारे पास ये एरे जो है इसके पास सपोज स्ट्रिंग डेटा अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे सपोज कुछ कलर्स प्रोवाइडेड है, सपोज ये ब्लू, ये सपोज ग्रीन एंड से येलो, एंड सिमिलरली हमने ये जो दूसरा वेरिएबल प्रोवाइड किया बी, इसके पास भी इस बार नंबर नहीं, इस बार हमने कलर्स प्रोवाइड कर दिए सपोज व्हाइट एंड ब्लैक। फाइनली हम जब कॉन्केट करते हैं इन वेरिएबल्स, इन ए और बी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं जिनका टाइप क्या है एरे, एक्चुअली में वो कॉन्सेप्ट वाइज है, जिनका टाइप अगर चेक करोगे तो टाइप आएगा ऑब्जेक्ट, ए और बी है ऑब्जेक्ट और स्पेसिफिकली कहें ऑब्जेक्ट भी कौन सा एरे वाला ऑब्जेक्ट, तो एरे वाले ऑब्जेक्ट क्या अवेलेबल है ए और बी, हमने यहाँ सी प्रोवाइड किया ए डॉट कॉन्केट बी वाली अप्रोच से, और इस केस में अगर हमने इसे सेव कर दिया है, इस पेज को कर रहे हैं रिफ्रेश, तो हमारे पास ए एरे में ये 3 स्ट्रिंग थी, बी के अंदर 2, फाइनल रिजल्टेंट एरे में ये 5 स्ट्रिंग हमारे पास आ चुकी है। इस तरीके से ये कॉन्केटिनेशन परफॉर्म हो रहा है, डेटा चाहे नंबर था चाहे स्ट्रिंग था चाहे बूलियन था चाहे कुछ और भी टाइप, आप देख सकते हैं, तो ट्राई कर करके देखना कॉन्केट फंक्शन कॉन्केटिनेशन परफॉर्म कर रहा है, मर्ज करने का काम कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं फॉर ईच फंक्शन की, लेकिन फॉर ईच फंक्शन से पहले अगर आप एक एरे क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते टाइम उस एरे में कितने एलिमेंट अवेलेबल है वो अगर आपको कभी चेक करने का मन करे, तो लेंथ प्रॉपर्टी आप काम में ले सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रिंग के साथ हमने काम में लिया, जैसे 34 11 2 7 90 इस तरीके की अगर हमने वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे अगर हम कंसोल पे प्रिंट करवाते हैं ए की लेंथ,
तो इस केस में हमारे पास डेटा क्या आ रहा है, ए नेम का एक एरे जो अवेलेबल है उसके अंदर कितनी वैल्यूज हमने दे रखी है, 5 वैल्यूज, तो वो लेंथ हमारे सामने आ रही है, ए नेम के एरे में कितनी वैल्यूज अवेलेबल है वो आ रही है। और इस वैल्यू की हेल्प से आप नो डाउट लूप प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इसी वैल्यू की हेल्प से लूप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे लूप क्या, लूप सपोज यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया फॉर लूप, फॉर आई एक वेरिएबल लिया, जैसे वेरिएबल आई इक्वल 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ, साथ में प्रोवाइड कर दिया जैसे आई प्लस प्लस, आप जानते हैं लूप का सिंटेक्स, तो इनिशियलाइज किया आई को 0 से, कब तक लूप चला रहे हैं, जब तक लेंथ से वो छोटा है, 5 वैल्यूज है तो 4 तक, 0 से लेके 4 तक इंडेक्स को हम काम में लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पे हम प्रिंट करवा रहे हैं एक मैसेज वैल्यू एट, और यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया हमने इस स्ट्रिंग को किसके साथ, आई, साथ में हमने वर्ड स्पेसिफाई कर दिया वहां इंडेक्स, मतलब क्या अगर आई की वैल्यू 0 है तो मैसेज में आएगा वैल्यू एट 0 इंडेक्स इज, और साथ में हमने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे कॉन्केटिनेट करते हुए किसे, ए ऑफ आई को। होपफुली आपको कॉन्केटिनेशन तो सबको क्लियर हो चुका है, ये स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होगी, फिर आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू जैसे पहली बार लूप चलते टाइम 0 है, तो वैल्यू एट 0 इंडेक्स इज और ए ऑफ 0 की वैल्यू 34 आ जाएगी, एंड ये लूप चलता रहेगा इन पांचों वैल्यूज के लिए इंडेक्स 0 से 4 तक। लेस देन 5 हमने प्रोवाइड कर रखा है, ए डॉट लेंथ की हेल्प से आया हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट, उसकी लेंथ आ गई, एरे में कितने एलिमेंट्स हैं वो पता चल गया। और इस तरीके से अगर हम देते हैं इस चीज को, अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास डेटा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग हो रही है, अगर आप इसके बीच में किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ जावास्क्रिप्ट पैरेलल में वर्क करने की अप्रोच रखती है कि एक फंक्शन को इनिशिएट कर दिया गया तो वो फंक्शन वर्क कर रहा है, बाकी का काम आगे कंटिन्यू करते जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा करना कि कुछ फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करना चाहते हैं किसके लिए, इन सभी एलिमेंट्स के लिए, ये जो एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल है इन सभी के लिए अगर आप कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं तो काम में ले सकते हैं आप फॉर ईच। और फॉर ईच का जो तरीका है वो तरीका आप आराम से समझना, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कॉल बैक अप्रोच आपको अगर ध्यान है तो फायदा रहेगा। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हमने प्रोवाइड किया ए डॉट फॉर ईच, ये फंक्शन हमने प्रोवाइड किया, और ये जो फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इसके साथ हम दे रहे हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल के अंदर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पैरामीटर। वो पैरामीटर क्या, कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है हर एक वैल्यू के साथ। वापस से बोलते हैं, इस पर्टिकुलर के अंदर हम क्या चाहते हैं, वो चीज परफॉर्म करना जो हम हर एक एलिमेंट के साथ परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना चाहा, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं आप सभी को ध्यान होगा, इसका नाम नहीं दे रहा है तो कुछ इस तरीके से हम ये फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी के लिए जैसे हमने ये कंसोल डॉट लॉग पे एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया सपोज हेलो, इस तरीके का अगर हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, पहले इसे सेव किया एंड ब्राउजर पे हम इसे चेक कर रहे हैं, जहां पे हेलो कितनी बार आया, 5 टाइम्स आया। ये होपफुली आपको ध्यान होगा कि कंसोल पे अगर सेम स्ट्रिंग बार बार प्रिंट करवाते हैं तो क्या आता है, वहां पे वो स्ट्रिंग बार बार प्रिंट करने की जगह उसके साथ काउंट प्रोवाइड कर देता है, एक ऐसा काउंट जो रिप्रेजेंट करता है किसे, कि अभी वो कितनी बार आप उसे प्रिंट करवा चुके हैं। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं उस पर वापस आते हैं, ये जो हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन देख रहे हैं। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन चल रहा हो इस चीज को अभी भी कॉल बैक वाली अप्रोच, तो बस एक बार थोड़ा ध्यान दिलाते हुए कि फंक्शन जैसे हमने डिफाइन कर दिया होता सपोज F1, इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन, उसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। फंक्शन डिफाइन करना है, फंक्शन कीवर्ड, साथ में उसका नाम दिया, उसके स्मॉल ब्रैकेट्स पैरामीटर्स देने के लिए, कर्ली ब्रैकेट उसकी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए, इस तरीके से अगर दिया तो यहाँ पे आप पैरामीटर में क्या देना चाहते हैं, वो F1 फंक्शन देना चाहते हैं। F1 के अंदर क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने इसे रिफ्रेश किया तो F1 के अंदर जो टास्क हो रहा था हेलो प्रिंट करने का वो बार बार हुआ,
फाइव टाइम ये टास्क परफॉर्म हो गया। हम यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर हमारा फंक्शन अवेलेबल है, इस फंक्शन के अंदर हम जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो कैसे कर रहे हैं उसे देखते हैं। जैसे अभी अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरे के अंदर यहाँ एक बार को बस ऐसे ही दिस कीवर्ड होपफुली आप सभी को ध्यान होगा, ये अगर हम प्रोवाइड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये क्या आ रहा है, ये अपने आप कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा है कि एक विंडो, एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल हुआ है जिसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसी पर्टिकुलर फंक्शन जो अभी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे, इसी फंक्शन को वापस से पहले तो यहीं पे लेके आ जाते हैं, क्योंकि आपको ये कॉल बैक की अप्रोच अगर क्लियर है तो हम यहीं साथ के साथ देख रहे हैं, इसी फॉर इच के अंदर ही ये वर्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फंक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हमने क्या किया, दिस को बार बार प्रिंट करा दिया, पता नहीं क्यों, क्योंकि दिस एक कीवर्ड अवेलेबल है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने इस दिस कीवर्ड की बात पहले भी कही है कि किसी भी फंक्शन में वो एलिमेंट जिसने इस फंक्शन को इनिशिएट किया उसे रिप्रेजेंट करता है दिस कीवर्ड, वो एलिमेंट जिसने इस पर्टिकुलर फंक्शन को इनिशिएट किया उसे रिप्रेजेंट करता है ये दिस कीवर्ड। और अगर आपको कभी ऐसा परफॉर्म करना पड़ रहा है जहां पे आप चाहते हैं इसका इंडेक्स प्रिंट करना, अभी अगर ऐसा कर रहे हैं तो आई नेम का तो कोई कीवर्ड नहीं है, दिस कीवर्ड था, तो कोई कीवर्ड है, कोई जानी मानी वैल्यू है, उसे अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो उसका कुछ तो डेटा है, वो डेटा हमारे सामने प्रिंट हो रहा, बार बार प्रिंट हो रहा, बट आई जब इस तरीके से प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ये एरर शो कर रहा है। और ये जो एरर आ रही है ये बहुत ऑब्वियस सी एरर है, क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हमने आई नेम का कोई भी वेरिएबल प्रोवाइड किया ही नहीं, और जब कोई वेरिएबल ही नहीं है तो यहाँ पे इसी तरीके से ये एरर शो कर रहा है। हम चाहते हैं यहाँ पे क्या करना, इस इंडेक्स को प्रिंट करना। तो एक बार एक चीज यहाँ पे हम आई अगर प्रोवाइड करते हैं एक पैरामीटर की तरह, रिफ्रेश करते हैं तो ध्यान से देखें ये आई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टली उस वैल्यू को। इस पर्टिकुलर लूप के अंदर ये लूप है नहीं, तो लूप बस बोलने के लिए कह दिया, क्योंकि फॉर लूप आप जानते हैं उससे रिलेट करने के लिए, बट यहाँ पे फॉर ईच एक फंक्शन अवेलेबल है जो लूप की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो पैरामीटर अगर आप देते हो तो पैरामीटर एक ऑप्शनल पैरामीटर हमने जैसे ये प्रोवाइड किया आई, इस केस में ये आई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये ए एरे के अंदर जितनी बार ये चल रहा है हर बार एक एक वैल्यू के लिए चल रहा है, पहली बार में रिप्रेजेंट करेगा पहली वैल्यू को, दूसरी बार में रिप्रेजेंट करेगा दूसरी वैल्यू को, एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पे आई कॉमा जे प्रोवाइड कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं तो भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम यहाँ पे जे को प्रिंट करवाए तो ऐसा मत सोचना कि कोई भी पैरामीटर का नेम दे दिया और अपने आप उसकी वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे इस तरीके से अगर हमने प्रोवाइड किया है तो ध्यान से देखें ये जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो वन, नेक्स्ट वैल्यू है टू, नेक्स्ट है थ्री। थोड़ा समझने के लिए हम यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, दो अलग अलग मैसेज की जगह पहले एक बार आई हमने प्रिंट करवा के देखा था वो वापस से देख लेते हैं, रिफ्रेश किया, ये आ रही है पहली चीज क्या, वैल्यू, और दूसरी चीज क्या आ रही है उसे प्रिंट करवा रहे हैं। इस बार हम पहले पैरामीटर को नहीं, इस बार हम प्रिंट कर रहे हैं दूसरे पैरामीटर को, और जब ये दूसरे पैरामीटर को हम प्रिंट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये क्या आ रहा है, इसका इंडेक्स हमारे सामने आ रहा है। अब बात आती है वापस से वही जो अभी कह रहे थे कि फॉर ईच में ऐसा मत सोच लेना कि पैरामीटर आप कितने भी देते जा रहे हो किसी भी फंक्शन में और अपने आप उसे वैल्यू मिलती जा रही है। जैसे अभी हमने यहाँ पे तीसरा पैरामीटर दिया के, और के की वैल्यू अगर हम चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, तो के किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि वैल्यूज किस तरीके से कंसिडर की जाए। यहाँ के किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखें हर बार सेम वैल्यू प्रिंट हुई है, और वो सेम वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, पूरा एरे। मतलब अगर हमने यहाँ तीसरा पैरामीटर दे दिया तो वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे एरे को। पहला पैरामीटर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू जितनी बार ये फंक्शन खुद को परफॉर्म करवा रहा है। फॉर ईच फंक्शन को समझना,
कि फॉर ईच फंक्शन का काम क्या है कि इसके अंदर जो पैरामीटर की तरह फंक्शन दिया है उसे बार बार परफॉर्म करवाएगा। इसी सेम वर्किंग को फॉर ईच के अंदर जो ये फंक्शन प्रोवाइडेड है इस पर्टिकुलर वर्किंग को बार बार परफॉर्म करेगा, कितनी बार, जितने इस पर्टिकुलर एरे के अंदर एलिमेंट अवेलेबल है उतनी बार। ए नेम का जो हमारे पास एरे अवेलेबल है उस एरे के अंदर जितने एलिमेंट अवेलेबल है उतनी बार इस फंक्शन को ये परफॉर्म करवाएगा। इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर ऑप्शनल मैनर में दिए जा सकते हैं, कंपल्सरी नहीं था, बट ये पैरामीटर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इस बार हमने टी दे दिया, मतलब फोर्थ पैरामीटर तक हम पहुंच गए हैं और ये फोर्थ पैरामीटर हमने क्या दिया है, टी, और टी को अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं तो इस बार क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं पैरामीटर, इसके जो ऑप्शनल पैरामीटर है वो कितने दिए जा सकते हैं, वो अगर तीन से ज्यादा दोगे तब तो तीन के बाद वाले जितने भी पैरामीटर है वो सब अनडिफाइंड वैल्यू कंसिडर होगी, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं मिली। बट अगर आप तीन पैरामीटर दे रहे हैं एट मैक्स, तीन पैरामीटर, चाहे आप एक दो चाहे दो दो चाहे तीन दो, मैक्सिमम तीन दे रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग पहली वैल्यू हमारे पास क्या आती है, वैल्यू पहले एलिमेंट की, दूसरी चीज क्या आती है, इंडेक्स पहले एलिमेंट का, और तीसरी चीज आती है पूरा एरे। अगर आप इसके साथ कोई और पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे थे जैसे ये टी, और इस केस में हम बस समझने के लिए यहाँ पे ये फोर वैल्यूज का जो सेट प्रिंट करवा रहे हैं, हम बीच में लाइन चेंज करने का काम और दे देते हैं कंसोल डॉट लॉग पे, होपफुली आपको ध्यान होगा, \n। इस तरीके से अगर हमने दिया, रिफ्रेश किया, तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है ध्यान से देखें, पहली बार जो डेटा आता है वो पहले एलिमेंट की वैल्यू, उसका इंडेक्स और वो पूरा एरे, और चौथी वैल्यू है अनडिफाइंड। दूसरे एलिमेंट के लिए वैल्यू, इंडेक्स, एरे, अनडिफाइंड तो एक्स्ट्रा पैरामीटर रहा जो हमें कभी प्रोवाइड करना नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड नहीं होता, यूजफुल नहीं होता, इसलिए नहीं देते। तो तीन पैरामीटर तक हम नॉर्मली काम में ले सकते हैं, कभी केवल एक के साथ ही, कभी दो पैरामीटर के साथ, कभी तीनों पैरामीटर के साथ, जिनमें से ये किस किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला पैरामीटर रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट की वैल्यू को, दूसरा पैरामीटर रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट के इंडेक्स को, जबकि तीसरा पैरामीटर उस पूरे एरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसकी हेल्प से अभी ये फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, फॉर ईच फंक्शन जिसकी हेल्प से कॉल हुआ था, मतलब ए एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्थ पैरामीटर या फिफ्थ पैरामीटर तो देना नहीं चाहिए क्योंकि वो सारे अनडिफाइंड मैनर में कंसिडर होंगे, एक्स्ट्रा वेरिएबल दिया जिसकी वैल्यू ही नहीं मिली। बट यहाँ पे जो हमारे पास डेटा मिल रहा है वो किसका डेटा मिल रहा है, तो सबसे पहला जो पैरामीटर है इसे हम आई ना कहते हुए यहाँ पे कह रहे हैं जैसे एलिमेंट की वैल्यू, दूसरा पैरामीटर जो है उसे हम कह रहे हैं जैसे जानबूझ के यहाँ हम नाम चेंज कर रहे हैं एलिमेंट का इंडेक्स, और तीसरा पैरामीटर कंप्लीट एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हम उसे नाम दे रहे हैं एरे। बस ध्यान रखने की चीज, एरे का ए कैपिटल मत लिखना, पहले से कुछ प्री डिफाइंड थिंग होती है जिसके बाद हम बाद में कर, या आप चाहे तो यहाँ पे हम एरे की जगह कॉलिंग एरे ऐसा हमने कुछ प्रोवाइड कर दिया कि इस फॉर ईच को कॉल करने वाला जो एरे था वो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, और ये जो एरे आया है इसे बार बार प्रिंट करना वैसे तो सेंसफुल इतना नहीं होता, कभी अगर जरूरत पड़े तो इसे काम में लिया जाता है, अदरवाइज नहीं। कई बार ऐसा होता है इंडेक्स की भी जरूरत नहीं, हमें तो केवल वैल्यू से मतलब है, तो इसे भी देना कंपलसरी नहीं है, केवल एक ही पैरामीटर के साथ भी दे सकते हैं। ये तीनों ही ऑप्शनल पैरामीटर है जिनमें से नॉर्मली एक वैल्यू वाला पैरामीटर जरूर से ले लिया जाता है, नॉर्मली कंपलसरी नहीं कह रहे, फिर भी ये रहेगा वैल्यू को काम में लेने के लिए कि जिस एरे के साथ फॉर ईच काम में लिया उसकी एक एक करके वैल्यू इस वेरिएबल नेम से हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं अगर, तो ये वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। और इसी अप्रोच में अगर हम कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवाएं, अगर इसी अप्रोच में प्रिंट करवाते हैं अगर, तो इसे हमने कर दिया कमेंट जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्रोवाइड किया वो दिया वैल्यू एट, इस बार हमने वेरिएबल का नाम कौन सा दिया, सेकेंड जो पैरामीटर है उसका नाम यहाँ, इंडेक्स की वैल्यू क्योंकि उसी से मिलेगी, और जो हमारा ये वैल्यू वाला पार्ट है वो हम डायरेक्टली यहाँ काम में ले रहे हैं
बिना ए और स्क्वायर ब्रैकेट के डायरेक्टली इस तरीके से हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा सेकंड पैरामीटर और फर्स्ट पैरामीटर उसकी वैल्यू को, और ये बार बार फॉर ईच फंक्शन में जो पैरामीटर की तरह फंक्शन दिया है उसे बार बार रिपीट करता रहेगा। इस तरीके से अगर हमने दिया सेव किया, इस चीज को अगर रिफ्रेश कर रहे हैं तो कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है, और ये फॉर ईच काफी यूजफुल हो सकता है बहुत सी बार, बट जब तक आपको लगे कि हाँ ये यूजफुल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट की तरह इसे कंसिडर कर सकते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट तो है, जब यूजफुल लगे कि हाँ उसकी रिक्वायरमेंट लगे तब आप काम में ले सकते हैं। तो यहां तक हमने जो बात की है एरे की, होपफुली आप सभी को यहां तक की बात का तो आइडिया लगा ही होगा। एरे में फंक्शंस केवल इतने नहीं है, एरे में फंक्शंस तो और भी अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें एक सिंपलेस्ट मैनर में इंडेक्स ऑफ फंक्शन की, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंडेक्स ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन कैसा है, अगर हम यहाँ पे एरे हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ए नेम का, जिसमें ये वैल्यूज अवेलेबल है जो आप सभी को विजिबल है, राइट। हम यहाँ पे अगर इंडेक्स ऑफ फंक्शन काम में लेना चाहते हैं, तरीका क्या, ए डॉट इंडेक्स ऑफ, कैसे, ए डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे ये जो फंक्शन प्रोवाइड किया है इसके साथ दे रहे हैं वो वैल्यू जिसका हम इंडेक्स चेक करना चाहते हैं। जैसे हमने दे दिया 11, ये जो हमने 11 प्रोवाइड किया इसका मतलब क्या, एरे में सर्च करेगा 11 कहाँ पे अवेलेबल है, कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है, और इस वैल्यू को अगर हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज वेरिएबल बी के अंदर, एक काम कर रहे हैं हम यहां से इसे लाते हैं और यहीं पे लेके आ जाते हैं ना, एक बार वापस इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया, जहां पे हम बात कर रहे हैं वेरिएबल बी के अंदर क्या पहुंचा होगा उसे देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से बी को प्रिंट करवा रहे हैं कि बी के अंदर क्या वैल्यू आई जब हमने इंडेक्स ऑफ 11 चेक किया। इस तरीके से दिया तो ये आ रहा है 1, इसका इंडेक्स क्या है, 1 अवेलेबल है। यहाँ पे हम 11 नहीं, यहाँ अगर 90 चेक कर रहे होते, सेव किया रिफ्रेश किया तो इस तरीके से 4 आ रहा है। यही एक चीज और, अगर हमने सपोज यहाँ पे भी 90 प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पे 2790 इस तरीके से दे रखा है, सेव किया रिफ्रेश किया तो क्या आ रहा है, पहली बार जहां मिला वो इंडेक्स हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। पूरे एरे में जिस डेटा को हमें सर्च करना है उसकी फर्स्ट अकरेंस फाइंड आउट करके ये हमें प्रोवाइड कर रहा है कि पहली बार उस एरे में ये वैल्यू कहाँ अवेलेबल है वो हमारे सामने लाके दे रहा है। और इसी पर्टिकुलर एरे की ये जो अप्रोच हम जो देख रहे थे, जहां पे हमने इसे सर्च किया तो हमारे पास क्या आ रहा था, ये 4 आ रहा था, 0 1 2 3 4, होपफुली आप सभी को क्लियर है, बहुत सिंपल सा फंक्शन है ये तो। बट इसी पर्टिकुलर फंक्शन को अगर हम दो पैरामीटर के साथ काम में ले रहे हैं, सेकंड पैरामीटर ऑप्शनल है, नॉर्मली उसकी जरूरत इस तरीके से नहीं थी, तो हमने डायरेक्टली वैल्यू सर्च कर ली कि वो वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी। हम यहाँ साथ में अगर प्रोवाइड कर देते हैं सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दे रखा है से 90 और यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज 1, सेव किया एंड इस बार हम इसे रिफ्रेश कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। हम अगर इसे प्रोवाइड कर देते हैं 2, सेव किया रिफ्रेश किया तो इस बार कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है। और इस चीज को अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ा देते हैं एक बार, सपोज हमने यहाँ पे सर्च जिसे करना चाहा वो वैल्यू है 7 और यहाँ हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी, सेव किया रिफ्रेश किया तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 मतलब क्या, इंडेक्स 0 1 2 3, मतलब जब हमने कोई भी वैल्यू साथ में नहीं दी या साथ में 0 दिया उसका मतलब है कि हम कहाँ से सर्च करना स्टार्ट कर रहे हैं, इंडेक्स 0 से सर्च करना स्टार्ट कर रहे हैं, और इंडेक्स 0 से सर्च करते हुए पहली बार वो वैल्यू हमें कहाँ मिली, वो मिली है हमें इंडेक्स 3 पे। बट अगर हम सर्च स्टार्ट करते सपोज इंडेक्स 4 से, इंडेक्स 4 से सर्च स्टार्ट कर रहे हैं मतलब एरे के इस पार्ट पे सर्च किया ही नहीं, डायरेक्टली इस पार्ट पे अगर हम सर्च कर रहे हैं, 7 हमें कहाँ मिल रहा है उसे हम देखते हैं, रिफ्रेश किया तो 7 कहाँ मिला, इंडेक्स 4 से जब सर्चिंग स्टार्ट की तो 4 पे नहीं मिला, 5 पे नहीं मिला, 6 पे हमें मिल गया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आ रहा है 6। तो कहाँ से स्टार्ट करना है वो स्टार्टिंग इंडेक्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है।
फर्स्ट अक्रेंस बताएगा फर्स्ट अक्रेंस, लेकिन कहां से, अगर सेकंड पैरामीटर प्रोवाइडेड नहीं है तो तब तो एरे में एकदम स्टार्टिंग से, अगर सेकंड पैरामीटर कुछ प्रोवाइडेड है तो वो सेकंड पैरामीटर जो इंडेक्स वैल्यू है, जो इंडेक्स मिला है इसे क्या मानेगा, सेकंड पैरामीटर को एक इंडेक्स, उस इंडेक्स से सर्च करना स्टार्ट करेगा उसके आगे वाले पोर्शन में। जैसे अगर हमने यहाँ पे सपोज ये प्रोवाइड कर दिया होता 7, तो हमें या इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया जैसे 34 हमें सर्च करना है, लेकिन हमने इंडेक्स दे दिया जैसे 2, इंडेक्स 2 मतलब ये 0 वाला था, ये 1 वाला था, ये 2 वाला, ये इंडेक्स 2 है, यहां से हम सर्च कर रहे हैं 34। इस केस में सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये आ रहा है -1, बिल्कुल वैसे ही जैसे एरे में जिसे आप सर्च कर रहे हो, जिसका इंडेक्स ढूंढ रहे हो, वो अगर मिला ही नहीं, तो -1 आ जाता। जैसे यहाँ पे 90 की जगह आप सर्च कर रहे होते सपोज 40, तो 40 तो एरे में है ही नहीं इस पर्टिकुलर एरे के अंदर, इस केस में क्या आता -1। -1 इंडेक्स एरे के अंदर होता ही नहीं है, होपफुली आप सबको ध्यान है, इंडेक्स ऑफ की वैल्यू अगर -1 आई है इसका मतलब वो वैल्यू मिली ही नहीं है जिसे सर्च करना चाहते। होपफुली इंडेक्स ऑफ फंक्शन भी आप सभी को आइडिया लगा होगा। तो एरे से रिलेटेड फंक्शन तो बहुत सारे हैं, बाकी बात करेंगे हम एरे की नेक्स्ट क्लास में।